हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैंने देखी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्रांड न्यू स्पोर्ट ड्रामा कॉमेडी फिल्म हसल, जिसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की, जिसकी कहानी फोकस करती है एक फॉर्मर बास्केटबॉल स्काउट स्टैनली पर, जो अपने करियर को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पोक्रूज नाम के प्लेयर को तैयार करता है NBA में खेलने के लिए, जिसमें वो दोनों कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ब्रांड न्यू स्पोर्ट ड्रामा कॉमेडी फिल्म हसल, जो कि एक स्पोर्ट ड्रामा है। यानी फिल्म काफी कुछ ऐसा प्रेजेंट करेगी जिसे आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जिससे मैं भी अग्री करता हूँ, पर कहानी की प्रेजेंटेशन अच्छी है, लिटरली काफी अच्छी, क्योंकि फिल्म सिर्फ स्टैनली नहीं बल्कि बो के कैरेक्टर पर भी फोकस करती है, जो प्रेशर में है कहीं ना कहीं अपने पास के चलते। तो वही बो एक काफी अच्छा खिलाड़ी है पर ट्रेन या बेस्ट बिल्कुल भी नहीं, जिनकी इस जर्नी को देखने में मजा आता है, और जो ये फिल्म रिसेंट कॉमेडी और इमोशंस के साथ दिखाती है, जिसे देखते वक्त हम खुश होते हैं तो कई बार बुरा भी फील करते हैं, पर हाँ ये भी एक काफी बड़ा सच कि ये फिल्म सभी के लिए नहीं है, जो कई सारे लोगों को पसंद आएगी तो कुछ इसे बीच में ही देखना छोड़ देंगे। बाकी बात कैरेक्टर्स की करूं तो फिल्म को अपने कंधों पर कहीं ना कहीं चलाने की जिम्मेदारी एडम सैंडलर ने ली थी, जिसमें वो नो डाउट पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, क्योंकि थ्रू आउट दी फिल्म एडम सैंडलर की काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने मिलती है, फिर चाहे सीरियस रोल करना हो या बीच बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी या इमोशनल सीन हो, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, लिटरली काफी बढ़िया। बाकी जंको जो कि एक रियल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, पर फिर भी उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है कई सारे सीन्स में। तो वही स्टैनली और उसकी वाइफ टेरेसा और उनके रिलेशनशिप के जरिए फिलाडेल्फिया में रह रहे हमेशा से लोगों के रहन सहन, सोच, तौर तरीके और कई सारी चीजों को स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। बाकी एक्ट्रेस क्वीन लतीफा की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और बाकी सभी के सभी एक्टर्स की भी। बाकी फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है और BGM भी, खास करके बास्केटबॉल सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, पर वही फिल्म की एडिटिंग ठीक ठाक है, क्योंकि फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे की है, जो बीच बीच में थोड़ा बहुत बोर तो करती है। बाकी फिल्म में NBA प्लेयर्स के कैमियोस और मोंटाजेस सीन्स की कमी नहीं, जो एक वक्त पर थोड़े ज्यादा फील होते हैं। तो ओवरऑल मेरे नजर में हसल एक काफी अच्छी फिल्म है, पर सभी के लिए नहीं, इसलिए जो लोग स्पोर्ट ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं वो इसे एक बार चेकआउट जरूर करें। फिल्म हसल को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म हसल को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।